बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में। पाकिस्तानी इंटरनेशनल फ्लैट्स के मतलब, इंडियन इंटरनेशनल फ्लैट्स के मतलब बात कर लेंगे। आज की हमारी वीडियो का यानी कि मौजू यही रहेगा। और एक कंट्री के लिए, जैसा कि आपको अभी तक भाई शायद आपको पता चल चुका होगा कि एक कंट्री के लिए मजीद सऊदी अरबी अपनी फ्लैट्स बंद कर चुका है। जैसा कि पहले 14 ममालिक के लिए बंद कर चुका था, तो अभी उसके अलावा एक और कंट्री के लिए सऊदी अरब ने अपनी इंटरनेशनल फ्लैट्स बंद कर दी हैं। अच्छा, कल ही मुझे एक सिस्टर हैं जी पाकिस्तान से, उनकी तरफ से मुझे कमेंट किया गया था कि भाई मुझे पाकिस्तान में यानी कि एक इस न्यू वायरस का केस रिकॉर्ड हो चुका है, यानी कि सामने आ चुका है कराची से। तो वैसे सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी कंफर्म जराए से मैंने ऐसी खबर अभी तक नहीं देखी है। पाकिस्तान फ्लैट्स के मुतलक भी आपको बता देता हूँ मैं। पहले हम जो जिस कंट्री की फ्लैट बंद की गई हैं जी, नाइजीरिया की फ्लैट्स बंद कर दी गई हैं सऊदी अरेबिया के लिए। और वो क्यों बंद की गई हैं? वो भाई वहाँ पर इस न्यू वायरस के कुछ केस रिकॉर्ड हुए जो कि सामने आए, उसके बाद वहाँ की फ्लैट बंद कर दी गई, डायरेक्टली बंद की गई हैं। आप किसी भी दूसरी कंट्री में 14 दिन का स्टे करके वहाँ से भी आ सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है। जो सऊदी हजरात वहाँ से डायरेक्ट इंटर होंगे, उनको भी यहाँ पर बाई कंटाइन करना होगा। ठीक है जी, अभी पाकिस्तानी फ्लैट्स के या इंडियन फ्लैट्स के मुतलक बात कर लेते हैं। जब तक भाई पाकिस्तान में एक आध केस रिकॉर्ड अगर हो भी गया है खुदा ना खवास्ता, जब तक ये सोशल मीडिया के ऊपर इसके चर्चे शुरू नहीं होते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैंने किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से अभी तक ये न्यूज नहीं सुनी है कि ये कंफर्म हो जहां से, यानी कि जब तक सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज के चर्चे शुरू नहीं हो जाते हैं कि पाकिस्तान में ये केस रिकॉर्ड होना शुरू हो चुके हैं, ये हो गया, फलां हो गया, वो हो गया, उस टाइम तक पाकिस्तान की फ्लैट्स ओपन ही रहेंगी इंशाल्लाह ताला। हाँ, जब सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज़ के चर्चे शुरू हो जाएंगे, उसके बाद भाई पाकिस्तान की फ्लैट्स के मुतल्लक भी खतरे की घंटी बज जाएगी। बहरहाल आप अपना इकामा, अपनी छुट्टी अब समय चेक करते रहें, किसी दोस्त को किसी मकतब में भेज कर भी चेक करवा सकते हैं यहाँ से सऊदी अरेबिया से, या अपने किसी मंदूब या अपनी कफील वगैरह को बोलकर भी जवाजात में भेज कर अपडेट करवा सकते हैं। अगर अभी तक आपका नहीं हुआ है तो अपना इकामा, अपनी छुट्टी अपडेट करें और सऊदी अरेबिया का सफ़र बांध लें, यही बेस्ट है। मैं अभी यही बोलूंगा क्योंकि अभी दिसंबर भी आधा हो चला है, तो भाई आधा होने वाला यानी कि, तो अभी आपको पता है ये दिसंबर जनवरी तक आपके इकामे और छुट्टी का ऐलान किया गया, तो अभी दिसंबर के एंड तक आप सऊदी अरब में इंटर हो जाएं, यही बेस्ट है। और आने वाले वक्त में अगर खुदा ना खवास्ता पाकिस्तान में इस वायरस के केस 2-4-5 ही क्यों ना सामने आ गए, तो इंटरनेशनल फ्लैट्स भाई खतरे में होंगी।